हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट में शुरू करते हैं। उससे पहले यार सुबह में हमने दो वीडियोस अपलोड कर दिया था, मोटोरोला का E6 और उसके बाद मी बैंड 4 इंडियन रिटेल यूनिट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ये कुर्सी का वो जो है ना स्पंज, अभी तो खोला नहीं, मजा आती इसको। दोस्तों आज भी बहुत एक गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, बहुत अनबॉक्सिंग से कल तो सैमसंग M30S M10S वेट करना, बहुत मजा आएगा। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर शाओमी से। और आज ना भाई शाओमी ने ना माहौल एकदम गर्म कर दिया। उन्होंने अपने काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च कर दिए एक्सक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। जी हाँ, अब यहां पर शुरू करें उससे पहले आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि शाओमी ने ऐसा बताया कि हम जितने भी स्मार्ट टीवी इंडिया में सोल्ड करते हैं ना, उसमें से 80% जो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। जी हाँ, और मी टीवी जो है वो शाओमी ने अभी तक इंडिया में 3 मिलियन से ज्यादा जो वो सोल्ड किया है। इसका मतलब शाओमी से लोग कितना, मतलब टीवी से उसके कितना लोग प्यार करते हैं। अब टीवी की बात आ गई तो शुरुआत करते हैं स्मार्ट टीवी से ही, जहां पर उन्होंने 3 अलग अलग नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है मी टीवी 4X की सीरीज में। शुरुआत करेंगे 43 इंच से, जो आपको 4K में मिलेगा 25,000 रुपए की प्राइस है। जो 50 इंच है दोस्तों, ये आपको 30,000 रुपए का मिलता है। और उसके अलावा एक और हाइयर वेरियंट है 65 इंच वाला, जो आपको 55,000 का मिलता है। ये सबसे प्रीमियम है दोस्तों, इनमें शाओमी की खुद की आपको विविड कलर इंजन के साथ में आता है और MEMC टेक्नोलॉजी के साथ में। मतलब जो कलर से जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको यहां पर एकदम बढ़िया देखने को मिलेगी। वैसे सभी आपको एंड्रॉइड 9 पर मिलते हैं और पैच वॉल वर्जन 2 पर आता है। इसके अंदर दोस्तों क्या फायदा है कि आप लोगों को अभी नेटफ्लिक्स आउट ऑफ द बॉक्स तो मिलेगा ही, साथ में लाइव न्यूज भी आप यहां पर जो देख सकते हैं, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सारे टीवी में गूगल असिस्टेंट तो है ही, लेकिन गूगल का डेटा सेवर भी है। इसका मतलब जो आप कंटेंट्स देखते हैं अभी डेटा सेवर ऑन करके देखेंगे तो 3 गुना बेटर कंटेंट्स आप देख सकते हैं उसी लिमिट ऑफ डेटा के अंदर। तो एक बहुत ही कमाल की चीज आपको मिलती है। वैसे इन सब में क्वाड कोर प्रोसेसर है और साथ में आपको इसमें 20 वॉट का स्पीकर वगैरह भी सब में मिल जाता, तो ये कुछ चीज आपको मिलती है। वैसे उन्होंने मी टीवी 4A का 40 इंच भी लेके आ गया, जो कुछ 18,000 का है। सारे जो टीवी से दोस्तों फ्लिपकार्ट BBDT का जो सेल होगा 29 तारीख को आप जाके परचेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मी वॉटर प्योरीफायर की, तो ये कमाल की चीज आपको मिलती है। ये एकदम मिनिमलिस्टिक डिजाइन पर है, A4 जो पेपर आता है ना उसके साइज का आपको मिलेगा, मतलब कहीं पर भी स्टैक हो सकता है। साथ में वैसे ये 12,000 रुपए का है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर मिलती है। यहां पर आपको जो वो 3 अलग अलग प्योरीफाइंग कार्टेजेस मिलते हैं जो सामने की तरफ लगे हुए हैं, जिसमें RO ये वो वगैरह की चीजें, और 5 अलग अलग वाटर लेवल आपको प्योरिफिकेशन मिलता है, जो अलग अलग तरीके से पानी में अगर क्लोरीन हो या बैक्टीरिया सब, वो सब कुछ एकदम से जो वो क्लीन कर देता है। 99.9% एफिशिएंसी आपको यहां पर मिलती है। जो वाटर टैंक आपको मिलता है वो 7 लीटर का है, उसमें भी यूवी लैंप है, उसमें भी वो बैक्टीरिया को किल करेगा। ये वैसे काफी कूल चीज आपको मिल जाती है। वैसे यहां पर उसके अंदर आपको लाइफ रियल टाइम आप जो TDS यहां पर जो टेस्ट कर सकते हैं, 2 अलग अलग TDS सेंसर मिलते हैं। इसका मतलब ऐप आपके पास जो अगर है मी होम का, तो आपको पता चलेगा TDS के मतलब वाटर कितना गंदा है कितना साफ है, वो सारी चीजें आप रियल टाइम जो वो मॉनिटर कर सकते हैं। और दोस्तों DIY टेक्नोलॉजी के साथ में डू इट योरसेल्फ, इसका मतलब ये 30 सेकंड में आप खुद ही फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को या शाओमी को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कमाल की चीज है, घर बैठे बैठे खुद ही फिल्टर चेंज कर लो, खुद ही कर दो। तो ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं जो आपको मी वाटर प्यूरीफायर में मिलता है। वैसे उसके बाद मी बैंड 4 है, जिसके बारे में तो मैंने अनबॉक्सिंग आपको दे ही दिया था, और उनका कुछ मी मोशन नाइट लाइट 2 समथिंग जो एक नाइट लैंप आ चुका है जो मोशन से चलता है, सेंसर्स वगैरह उसमें लगे हुए, वो भी कुछ 500 रुपए का है। और मी साउंड बार जो उसका ब्लैक वर्जन भी आ चुका है, जो पहले व्हाइट था ना, तो कुछ वो आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कर दिया। वैसे क्या ख्याल है इस गर्मा गर्म माहौल का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और इंडिया में दोस्तों एप्पल ऐसा बताया जा रहा है कि $1 बिलियन जो वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इंडिया में ही वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। अब ये आप सोच रहे हैं तो जोक मार रहा, नहीं जोक नहीं है, हकीकत बात है। आपको तो पता ही होगा ये जो US चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस पे एप्पल ना उसके नाक में दम आ गया है, परेशान हो गया, और US भी एप्पल के ही खिलाफ हो रहा है कि भाई देख तू चाइना में कर ही मत मैन्युफैक्चर, वरना तो बहुत टैरिफ मारेंगे। अब वो सोच रहा है मैं करूं तो क्या करूं, या तो वियतनाम या फिर इंडिया। इंडिया से तो रिलेशनशिप हमारा अच्छा है US से, तो वो सोचा चलो भाई इंडिया में डाल देते हैं। हालांकि इंडिया ने बहुत उसको परेशान किया था, पहले भी कुछ हुआ था इनका, लेकिन अब वो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडिया में ही लोकली ही मैन्युफैक्चर करेगा और यहां से ही
वो पूरे वर्ल्ड वाइड में शिपमेंट भी करेगा जैसे कि वो चाइना में करता था, तो अब वो इंडिया में होने वाला है। वैसे फॉक्सकॉन ही है जो एप्पल के इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया के अंदर लोकली। वैसे क्या ख्याल है, ये होने के बाद भी ये उम्मीद मत रखना कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं ये लोग क्यों महंगे देते, लेकिन ये चीज होने वाली। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है भाई, ये जो सुपर वूक जो उनका नया जो चार्जर है ना जो 65 वॉट आपको मिलेगा, ये वैसे ओप्पो रेनो एस जो 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा ना ये उसके साथ में मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों इसके अंदर ओप्पो ने बता दिया कि भाई हम कितना फास्ट चार्ज कर सकते हैं इससे, वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि भाई 30 मिनट के अंदर मतलब 26 मिनट्स में वो एक 4000 एमएच की बैटरी को चार्ज कर देता है, जो बहुत बड़ी बात है 65 वॉट का ये जो चार्जर है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा भी ओप्पो का ही फोन लगाया था लेकिन वो सिर्फ 40% तक ही पहुंचा था 26 में, जबकि इसने इसको जो वो फुल चार्ज कर दिया। तो आधे घंटे में फुल चार्ज 65 वॉट वाले इस चार्जर से 4000 एमएच बैटरी वाले फोन को ये कर सकता है, जो बहुत ही कमाल का है। ओप्पो रेनो एस 10 अक्टूबर को आएगा, उसके बाद ये अगर चार्जर ऐसी अवेलेबल हो जाता है और दूसरे फोन में आने लग गया तो सोचो फ्यूचर क्या होगा कि 15 मिनट आधे घंटे में आपका फोन फुल चार्ज और फिर आप पूरा दिन। मजा आ गया कि मैं कुछ गंदे नहीं कर रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा टेक्नोलॉजी नहीं नहीं चेक। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली Asus ROG 2, जी हाँ, या ROG Phone 2, यार जो भी बोलो 2 ही बोलो ना उसको यार, Asus ROG 2 जो है दोस्तों 23 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। मैंने आपको बोला था ना कल 20 से 25 समथिंग बोला था इंडिया था, तो हाँ आज हो गया ऑफिशियल 23 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। उसी दिन आपको मिलेगी मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग ऑफिशियली इंडियन रिटेल यूनिट के साथ में। आप देखते क्या प्राइस पर ये आता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस ऑफिशियल गेमिंग फोन आप इसको बोल सकते हैं, जो गेमर्स है ना वो अभी ट्रिगर हो गए होंगे कह रहे भाई पबजी का वाला फोन आ रहा है, पबजी वाला फोन आ रहा है। देखते हैं दोस्तों 23 तारीख को क्या होता है, क्या प्राइस होती है, मैं उसी लिए वेट कर रहा हूं, आएगा मैं आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और कल मैंने बताया था ना कि एक स्ट्रॉन्ग लीक आ रही है कि 26 सितंबर को OnePlus टीवी और स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे। तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं दोस्तों 26 सितंबर को ये सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिलने वाली है। वैसे अभी दोस्तों पीटे लाओ ने एक और ऑफिशियल चीज बता दी है OnePlus टीवी से रिगार्डिंग कि आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब स्मार्टफोन से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं OnePlus टीवी को। हो सकता है इसके लिए शायद से OnePlus का स्मार्टफोन ही चाहिए रहेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है फास्ट स्मूथ सीमलेस कंट्रोल थ्रू योर स्मार्टफोन, तो कुछ इस तरीके का दिखने में आ रहा है। 8 स्पीकर्स हो गए, 50 वॉट का आउटपुट होगा, आपको 3 साल तक लगातार अपडेट्स मिलेंगे, पतला सा एप्पल का कॉपी वाला छोड़ो जो रिमोट है वो सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें करने वाला है OnePlus 26 सितंबर को। मैं प्राइस के लिए एक्साइटेड हूं, क्या आप एक्साइटेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, मैं जानता हूं कुछ लोग स्पेशली खाली इस वीडियो को क्लिक जो किए थे ना वो Realme X2 टाइटल देख के ही किए थे, और हकीकत है भाई ये बात सही है क्योंकि चाइना के अंदर 24 सितंबर को Realme X2 लॉन्च होने वाला है। अब बताया जा रहा है कि ये इंडिया में जो दिसंबर में Realme X3 730G वाला जो वेरिएंट होगा ना, ये वही शायद पहले ही वहां पर रीब्रांडेड बन के जा रहा है Realme X2 बन के, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा तो मिलेगा रियर के अंदर जो Realme X3 में मिल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया इस पोस्टर से, लेकिन साथ में आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर भी मिलेगा जो Realme X3 का 730G वाला जो वेरिएंट इंडिया में आएगा उससे काफी ये मैच करता है। तो Realme X तो इंडिया में आ चुका है, चाइना में भी गया है, लेकिन उसका Realme X2 आ रहा है जो स्नैपड्रैगन 730G के साथ में होगा, इसी में शायद आपको 30 वॉट वाला फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं Realme X2, वाह सपने तो बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, 24 सितंबर को इसके बारे में और खुलासा कर दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है भाई, Vivo ने कमाल कर दिया है, Vivo Next 3 आ चुका है, ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है 5G और 4G दो अलग अलग वर्जन में। जो 5G है दोस्तों वो 50,000 रुपए से स्टार्ट होगा, 8128 और ये जाएगा अप टू 62 या 67,000 तक, 12GB रैम 256GB स्टोरेज। वैसे इसकी खासियत ये दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो 99.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में है, 6.89 इंच का, इतना बड़ा है कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं, इसको वाटरफॉल डिस्प्ले भी हम बोलते हैं जो भी बोलते हैं, पर इतना जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उसके साथ में दोस्तों पीछे आपको ट्रिपल कैमरा है 64, जी हाँ 13 और 13 टेलीफोटो और वाइड एंगल है, और 16 की सेल्फी है, 4500 mAh की बैटरी है, 44 वॉट चार्जर के साथ में मिलता है, साउंड क्वालिटी भी बड़ी है, UFS वर्जन 3 है, और स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। इतना कड़क फोन है ना आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन एंड्रॉइड में मैं इसको बोल सकता हूं, बाकी तो मुझे पता नहीं 4G वर्जन की प्राइस तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके का हुआ है। और ये पहला 5G स्मार्टफोन है जो मास प्रोडक्शन में भी जा चुका है, और जहां जहां 5G अवेलेबल होगा ऑब्वियसली ये वहां पर सोल्ड होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि Vivo ने ना भाई 6G पर भी काम शुरू कर दिया है, Vivo का 6G, 5G इंडिया में आया नहीं है और ये लोग 6G तक पहुंच गए। तो यहां
पर दोस्तों ट्राई की रिपोर्ट निकलकर फिर से एक बार आ चुकी है। हर महीने ये रिपोर्ट आती है और एयरटेल आइडिया वोडाफोन के जख्मों पर नमक छिड़कती है, क्योंकि यहां पर पता चलता है कि कौन सी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने सबसे ज्यादा डाउनलोड और अपलोड स्पीड अचीव किया है। वैसे यहां पर बताया जाए कि अगस्त में जियो 21.3 Mbps की डाउनलोड स्पीड टच किया है पिछले महीने से, मतलब उसके पिछले महीने जुलाई से कंपेयर करते तो वो 21 था, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। एयरटेल को डिक्लाइन हुई 8.8 पहले था, अब हुआ है 8.2, उसके बाद वोडाफोन फ्लैट ही था एकदम 7.7 Mbps की थी, और फिर आइडिया ने भी डिक्लाइन देखा है कुछ 6.1 Mbps पर गिर के आ चुका है। अपलोड के अंदर सबसे ऊपर वोडाफोन, जियो, एयरटेल, आइडिया, ये स्पीड बताते हैं कि भाई डाउनलोड में जियो सबसे ऊपर है, और ऐसा कुछ वो लोग यहां पर प्रूव करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में जियो की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है? मैं इतना ज्यादा जियो यूज नहीं करता, मैं तो नॉर्मली यूज करता अपने वोडाफोन, मेरा भाई एयरटेल करता है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको बताया कि पिछले 12 सालों के अंदर गूगल ये जो कंपनी है ना, इन्होंने अभी तक 127 कंपनीज को जो वो एक्वायर्ड किया है, 12 साल में 127 कंपनीज, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा आप लोगों को, ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। इंट्रो है ना, आउटरो को छोटा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। One.